द मास्टर की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे पपीते का पराठा। पपीते का पराठा बनाना बहुत ही आसान है और ये फटाफट बन जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाते हैं पपीते का पराठा। इसे बनाने के लिए हमने लिया है गेहूँ का आटा 250 ग्राम, पपीता 500 ग्राम। देखिए इस पपीते को मैंने छील करके काट कर और इसके छिलकों को निकाल कर और बीज को साफ करके फिर मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, घी पराठा बनाने के लिए 1/2 छोटा चम्मच, हमने अमचूर पाउडर लिया है, 2 चम्मच हरी धनिया छोटे छोटे कटे हुए, 1 टुकड़ा अदरक का ग्रेट किया हुआ, 1 हरी मिर्च छोटे टुकड़े में कटे हुए, नमक आवश्यकतानुसार, अजवाइन 1/2 छोटा चम्मच। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेटेड पपीते में 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल करके और इसे मिला देंगे, जिससे इसमें से जो पानी है वो निकल जाएगा। और इसे मिक्स करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और इसे हम रख देते हैं और आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। आटे के अंदर हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे 1 चम्मच और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो तैयार करेंगे। देखिए हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत मुलायम भी नहीं है, बहुत सख्त भी नहीं है। देखिए इसे हम चपाती के लिए डो तैयार करते हैं इसी तरीके से। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम पराठे के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। पपीते से हम पहले पानी निकालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम इस तरीके से हाथ में लेकर के और इसके पानी भी निकाल देंगे। पानी को निचोड़ कर हम निकाल देंगे। देखिए मैंने पपीते में से पानी को निचोड़ कर निकाल दिया है। देखिए ये सूखा हो गया है। अब इसके अंदर हम अदरक हरी मिर्च डालेंगे, अजवाइन, अमचूर पाउडर इसे भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर भी डालेंगे और कटी हुई हरी धनिया। नमक हम 1/4 चम्मच डालेंगे, हमने पहले भी इसके अंदर नमक डाला था। और इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने सारी चीज़ों को पपीते में मिक्स कर दिया है और हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। इसे हम रख देते हैं और अपने आटे को चेक करते हैं। आटे के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे अच्छे से मसल लेंगे। और ये हमारा डो तैयार हो गया है। अपने आटे से छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और इसके पराठे बनाएंगे। इतना बड़ा पेड़ा हमें बनाना है। तरीके से हमने आटे के पेड़े बना लिए हैं। ये पेड़ा हम उठाएंगे। बीच से थोड़ा सा इस तरीके से जगह बना लेंगे और इसके अंदर ये स्टफिंग को इसके अंदर हम डालेंगे। और इसे हम चारों तरफ से बंद कर देंगे। इस तरीके से और इसे हम दबा देंगे। इसके अंदर हम सूखा आटा लपेट देंगे चारों तरफ से। इसे हम
धीरे से इस तरीके से चिपका देंगे जिससे हमारा पराठा फटे ना। और इसे हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। इस तरीके से हमें चारों तरफ से इसे हल्के हाथों से बेलना है, बहुत इसे हमें नहीं दबाना है। देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। और इसे सेकने के लिए हमने गैस पर तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे, एक तरफ से सिक जाएगा, फिर इसे हम पलटेंगे। इसे एक साइड से उठा कर देख लेंगे, ये पराठा हमारा हो चुका है। इसे हम पलट देंगे और इसके ऊपर घी लगाएंगे। पूरे पराठे में हमें अच्छे तरीके से घी लगा देना है। इसे फिर थोड़ा सा सिक जाने के बाद हम पलट देंगे, फिर दूसरी साइड में भी घी लगा देंगे। पराठे को फिर हम चेक करते हैं, देखिए भी दूसरी साइड से भी हो गया है और इस साइड में भी हम घी लगाएंगे। पूरे पराठे में घी लगा देंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से सेक लेंगे। देखिए हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक चुका है। और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा पराठा भी इसे बना करके तैयार कर लेंगे। और इसके अंदर स्टफिंग को भरेंगे। और इसे हम बंद करके इस तरीके से चारों तरफ से इकट्ठा करके हम इसे दबा देंगे। और इसे भी हम बेल करके और सेक लेंगे। पराठा निकाल लेते हैं प्लेट में और गैस बंद कर देते हैं। हमारे पपीते के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बने हैं। आप इसे अपने मन पसंद चटनी के साथ या सब्जी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मैंने पराठों को लाल मिर्च की चटनी के साथ रखा है, जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप अपने मन पसंद सब्जी या चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।